नमस्कार दोस्तों, मैं आरिल मीणा और आज हम लोग जा रहे थे घर श्योपुर सागर से और आज है 21 अप्रैल 2023। घर पे है शादी तो उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे 10-15 दिन के लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं ललितपुर सागर ललितपुर रोड पे मालथोन के आसपास और अभी सुबह के बजे हैं 9 और शाम के 5 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। बीच में आप लोगों को रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी देखने लायक उनको दिखाते हुए चलेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए जो हाईवे निकला है उस पर, यह है नेशनल हाईवे 44 और अभी मालथोन के आसपास चल रहे हैं। यहाँ इस हाईवे पर हम लोग झांसी तक जाएंगे और झांसी के बाद में जो कोटा से जो झांसी के लिए आया है हाईवे तो उस पर जाएंगे शिवपुरी तक और शिवपुरी से फिर श्योपुर सिंगल रोड मिलेगा, वो रास्ते में मिलेगा कोनो नेशनल पार्क। ललितपुर है यहाँ से अभी 80 किलोमीटर लगभग और हम चल रहे हैं बांद्री के आसपास। बांद्री आने वाली 2-3 किलोमीटर बाद में फिर ललितपुर आएगा। अभी आने वाला है मालथोन, यहाँ से 2 किलोमीटर है और उसके बाद में पहला इससे सागर से और श्योपुर के जो रास्ते के बीच में जो टोल टैक्स पड़ता है वो पहला टोल टैक्स आने वाला है। इसको रख लेते मोबाइल। पहला टोल टैक्स हमारा निकल चुका है, अब आगे आएगा ललितपुर। ललितपुर में हम लोग पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी के अंदर। ललितपुर यूपी में पड़ता है तो वहाँ पर एमपी की तुलना में पेट्रोल है वो सस्ता मिलता है, तो वहाँ पर टंकी फुल करवाएंगे और फिर निकलेंगे शिवपुरी के लिए। यहाँ से एमपी यूपी की बॉर्डर शुरू होती है तो यहाँ पर जो भी माल गाड़ियाँ होती हैं तो उनकी चेकिंग की जाती है। ये आगे चलकर आ गया है यूपी एमपी बॉर्डर और यहाँ पर चेकिंग होगी गाड़ियों की। यहाँ से यूपी की जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाएगी और यहीं से लग जाएगा यूपी का जो ललितपुर जिला है वो उसकी सीमा यहाँ से शुरू हो जाएगी, वो यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। अभी हम लोग चल रहे हैं ललितपुर से राजघाट चंदेरी के लिए जो रोड जाता है उस पर और चंदेरी से जो पिछोर होके सिरसूद गांव उस रोड पर जाएंगे और उधर हमें झांसी शिवपुरी हाईवे मिल जाएगा तो वहां से हम पहुंच जाएंगे शिवपुरी और आगे जाएंगे फिर श्योपुर। ये है यहां का राजघाट बांध और ये बना है एमपी और यूपी की बॉर्डर पर, दोनों जिलों को इसका जो पानी है उसका लाभ मिलता है। नहरें निकाली गई यहाँ से, ये काफ़ी बड़ा बांध बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ये राजघाट यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया और यहीं से अभी यूपी में है तो यहाँ से हम एमपी में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से चंदेरी होकर अशोकनगर भी जा सकते हैं। चंदेरी यहाँ से 16 किलोमीटर है और हम ये सीधे जाएंगे। ये बना है राजघाट बांध, यहाँ से निकाली गई है नहरें और कौन सी नदी थी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं कोनो नेशनल पार्क में और ये पोहरी से हम पहुंच गए हैं पोहरी और ये सेसईपुरा के पास में है। हम लोग यहाँ से 22 किलोमीटर दूर रह जाती है और यहाँ पर आप लोग चीता देख सकते हो। मोदी जी चीता लेके आए थे नामी हुए साउथ अफ्रीका से, वो यही कोनो नेशनल पार्क में उनको बसाया गया है। जंगल रिसोर्ट बना है यहीं पर और ये कोनो रिसोर्ट है तो यहाँ पर आकर आप लोग रुक सकते हो और कोनो में चीता देख सकते हो। ये अभी जो नदी है कोनो नदी, इसी पर बना है पुल। अभी इसका जो रोड से जोड़ने का जो थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा है इसको कंप्लीट होने के बाद में इस पुल से फिर नदी को पार कर सकते हैं आसानी से। पुल कंप्लीट हो चुका है, बस इसका ये रोड से जो कनेक्टेड करने का जो थोड़ा सा रास्ता है वो दोनों साइड में बचा है और यहाँ से आप कोनो नेशनल पार्क जा सकते हो। जिधर से भी आओगे आप यहाँ आना पड़ेगा और यहीं से कोनो नेशनल पार्क में जाने के लिए यहाँ से 19 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये बोर्ड लगा है और ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ से ये कोनो राष्ट्रीय उद्यान टिकटोली गेट 18 किलोमीटर। अभी हम चल रहे हैं कोनो नेशनल पार्क में और इस जंगल के अंदर अभी आएगी कांटी,
कड़ाल की घाटी के नाम से फेमस है। यहाँ से घाट प्रारंभ होता है, यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है और इसमें ये 3-4 किलोमीटर का है चढ़ाई, चढ़ते हुए ऊपर जाना है। हम लोग सागर से आए थे शिवपुर, सुबह निकले थे 9 बजे 8:30-9 बजे, अभी 4 बज गए हैं। अभी हम लोगों को 60 किलोमीटर और जाना है, ये चढ़ाई शुरू हो गई घाट की। सुबह के चले थे 9 बजे के सागर से और अभी 6 बजे हैं, हम पहुंच गए हैं गांव। और ये हमारा घर और ये बच्चे, ये हमारी शिवजी।